नमस्कार दोस्तों, आपको अगर पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करना है, सबसे पहले आप पेटीएम पेमेंट बैंक का जो मोबाइल ऐप है उसको ओपन कर लीजिए। तो मैं अभी ओपन करूंगा, यहाँ पर फिंगर चाह रही है तो मैं यहाँ पर फिंगर दे दूंगा। देखिए आपके सामने पेटीएम का जो मोबाइल ऐप है वो ओपन हो गया है। अभी यहाँ पर जो बैंक ऑप्शन है, देखिए पेटीएम बैंक, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा जो पासवर्ड है वो देने के लिए बोल रही है। अभी मैं मेरा पासवर्ड यहाँ पर दे दूंगा। तो पासवर्ड दे दिया, देखिए ओपन भी हो गया है। अभी अकाउंट स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करेंगे? अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए नीचे देखिए सर्विस ऑप्शन है, तो यहाँ पर देखिए बैंक पासबुक, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने ऑप्शन आ गया है रिक्वेस्ट अकाउंट स्टेटमेंट, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे कुछ ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट ए टाइम पीरियड, कितना दिन का भी आपका अकाउंट स्टेटमेंट का जरूरत है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। बहुत सारे ऑप्शन है, कस्टम डेट भी, आप एक दिन का भी अकाउंट स्टेटमेंट निकल सकते हो। तो यहाँ पर मैं लास्ट वन मंथ का सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए गेट स्टेटमेंट ऑन, आप ईमेल के थ्रू लीजिए। गेट ऑन SMS इस ऑप्शन में क्लिक मत कीजिए। आप जो गेट ऑन ईमेल का ऑप्शन है यहाँ पर टिक मार दीजिए। देने के बाद देखिए रिक्वेस्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर क्लिक कीजिए। करते ही देखिए आपका जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली हो गया है। अभी आप अपना मेल चेक करो, वहाँ पर आपको पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो मेरा जो मेल आईडी है वो ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पर देखिए दो ईमेल आया है, मैंने दो बार रिक्वेस्ट भेजा था इसीलिए दो बार आया है नो रिप्लाई। देखिए पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, और नीचे देखिए एक पीडीएफ फाइल दिया गया है। तो यहाँ पर हम पीडीएफ फाइल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट स्टेटमेंट शो हो रही है। तो भाई इसी तरह आप भी डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो देखकर आपका अगर काम हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो। इससे मेरा आगे आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा।